विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इंदौर के दशहरा मैदान पर कार्यकर्ता महासम्मेलन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। देखिए रिपोर्ट। मिशन मालवा पर बीजेपी सुप्रीमो अमित शाह, मध्य प्रदेश में भाजपा के चाणक्य की चुनावी चाल, इंदौर से किया जनसंपर्क महाअभियान का शंखनाद, मिशन 2018 में शहनशाह की भूमिका। मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार सरकार बनाने की चुनौती का सामना कर रही सत्तारूढ़ बीजेपी ने भाजपा विधानसभा चुनावों के लिए अपने महाजनसंपर्क अभियान का आगाज किया। मिशन मालवा को लेकर सूबे की आर्थिक राजधानी इंदौर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस मुहिम की औपचारिक शुरुआत की। शहर के हृदय स्थल पर उन्होंने यहां पूर्व होलकर राजवंश पर ऐतिहासिक राजबाड़ा महल के सामने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को माला पहनाकर भाजपा की चुनावी मुहिम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पासी स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राजबाड़ा महल से कृष्णपुरा छतरी तक करीब आधे किलोमीटर तक शाह का रोड शो हुआ। वहीं दशहरा मैदान पर कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। शाह ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि वे हमसे चार साल का हिसाब पूछते हैं, पहले आप तो अपनी चार पीढ़ियों का हिसाब दो। वहीं कमलनाथ को चैलेंज किया कि विकास पर बहस करें, मेरे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ही आपसे बहस कर लेगा। मोदी सरकार ने 15 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लोन दिया है। मोदी सरकार ने ही सेना के जवानों को वन रैंक वन पेंशन देने का काम किया। 178 पैरामीटर, 178 पैरामीटर। श्रीमान कमलनाथ जी, जो मंच तय करना हो करो, जो शहर तय करना हो करो, विकास पर चर्चा करनी है, मेरे युवा मोर्चा का एक बच्चा या बच्ची आकर आपसे बहस कर लेगा। विकास में आप हमें पहुंच नहीं सकते। किस प्रकार से शासन चलाया था। और मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन के उत्थान के लिए 4.5 साल से हर निश लगी। ये सेना का जवान जो -46 डिग्री पर पहाड़ों पर बर्फीले तूफान में और 46 डिग्री पर रेगिस्तान में अपने शरीर को गलाता है, अपनी जुवानी को गलाता है, 40 साल से वन रैंक वन पेंशन मांगता था राहुल बाबा, आपकी सरकारों ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ही साल में वन रैंक वन पेंशन देकर सेना के जवानों को 10,000 करोड़ रुपया देने का काम। और पुत्र मोदी जी, आप बताइए आपने 4.5 साल में क्या किया है। अरे राहुल बाबा, आप नरेंद्र मोदी जी को सवाल पूछते हो। अरे जवाब हमें आपको देने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पल पल और पाई पाई का हिसाब जब चुनाव में जाते हैं मध्य प्रदेश की जनता को देंगे। जनता हमारी माई बाप है। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर देश की जनता आपको एक सवाल जरूर पूछ रही है। जब आप हमारे 4.5 साल का हिसाब पूछ रहे हो, देश की जनता आपको आपकी चार पीढ़ी का हिसाब पूछ रही है। चार पीढ़ी आपने क्या। वहीं किसानों के मुद्दे पर शाह ने कांग्रेस को घेरा और कहा, हमारी सरकार ने किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की घोषणा की, लेकिन मांग के बावजूद कांग्रेस ने 70 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इसका कारण कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। एक किसान
70 साल से अपनी लागत से डेढ़ गुना फसल का मूल्य मांगता था, आपने नहीं दिया। नरेंद्र भाई ने अभी खरीफ फसलों का मूल्य का घोषणा किया था और अब रवि फसलों की मूल्य की भी घोषणा कर डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का काम किया है। गेहूं 1840 रुपया, मसूर 4400 रुपया, सरसों 4200 रुपया, चना 4600 रुपया, जौ जैसा धान, जौ जैसा रफ अनाज 1440 रुपये में लेने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। देश के किसान की मांग को 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी समाप्त नहीं कर पाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने रवि और खरीफ दोनों फसलों को हमने डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का काम किया है। और राहुल बाबा, आप हमसे सवाल करते हो, आपने तो विकास तो नहीं किया मगर देश की सुरक्षा में भी आपने कुछ नहीं किया था, सुरक्षा को ताक पर रखा था, वोट बैंक की राजनीति के लिए ताक पर रखा। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक पर अमित शाह ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी आंख पर इटालियन चश्मा है, वे क्या समझेंगे शहीद का मोल। घुसपैठियों के लिए राहुल, ममता आदि सब ऐसे कर रहे हैं जैसे सबकी नानी मर गई हो। शाह ने एनआरसी के मुद्दे पर कहा कि 55 साल में पहली बार 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित किया है, यह काम भी हमारी सरकार ने किया। मित्रों, 1990 से कश्मीर की सरहद पर ये पाकिस्तान के भेजे हुए आलिया मालिया जमालिया आते थे और हमारे सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते। नरेंद्र भाई की सरकार आई, उरी में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया, 12 जवानों को जिंदा जला दिया और उसके बाद में सबको था कि अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, कार्टून बनने लगे। मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहने वाले खुद मौन है, मगर 11वें दिन सुबह तड़के ही जब लोगों को मालूम पड़ा, कल रात को मोदी जी ने हमारे सेना के रणबांकुरों को पाकिस्तान में भेजा, घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना के जवान बदला लेकर वापस। और मित्रों, ये राहुल बाबा ने स्टेटमेंट दिया कि मोदी जी सेना के जवानों के साथ उनकी खून की अब दलाली कर रहे हो। राहुल बाबा, आपको शहीद की का मोल मालूम नहीं, शहीद के खून की दलाली का शब्द प्रयोग वरना आप नहीं करते। आपको मालूम नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक क्या है, आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, आप देख नहीं सकते हो ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। और देश के अंदर करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए घुटे, आपने 55 साल तक इनको निकालने का कोई प्रबंध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई आसाम में, प्रायोगिक स्तर पर हम एनआरसी लेकर आए। क्या है एनआरसी? एनआरसी का मतलब है सिटीजन रजिस्टर। जैसे ही सिटीजन रजिस्टर बना, 40 लाख घुसपैठिए प्रथम दृष्टि से चिन्हित हो गए। शाह ने इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, सीएम शिवराज के नेतृत्व में प्रदेश में अच्छे काम हो रहे हैं, सीएम गरीबों के नेता हैं, उनके कार्यकाल में प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। कृषि विकास दर -2%, -3%, -4%, माइनस। मैं गर्व के साथ देश भर में कहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है, हमारा एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने 15% से ज्यादा दर से लगातार 12 साल तक कृषि विकास करने का काम किया है। मित्रों, गौरतलब है कि मालवा और निमाड़ मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय करता है, ऐसे में सूबे के सबसे बड़े शहर इंदौर में मिशन मालवा का शंखनाद कर शाह ने न सिर्फ चुनावी बिसात बिछाई बल्कि कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ इंदौर।